अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है चिकन चीज़ पॉकेट पराठा। इसके लिए पहले मैं पराठे की डो तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने आटा लिया है 1 कप, ये बिल्कुल फाइन आटा है। मैदा 2 कप्स, नमक हसबे ज़रूरत, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1 चुटकी। ऑयल 2 टेबल स्पून। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसमें हसबे ज़रूरत पानी शामिल करके आटा गूंद लें। ये आटा तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें और इसको कपड़े से ढक के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। चिकन फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन में 1/2 टीस्पून ऑयल लिया है। अब इसमें 1 कप बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन शामिल कर दें। नमक हसबे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी काली मिर्च 1/2 टीस्पून शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको चूल्हा बंद करके ठंडा कर लें। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद आटा तैयार हो गया है। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। पेड़े बना के इनको ढककर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। अब एक पेड़े को अच्छी तरह बेल लें। अब इसके ऊपर हसबे ज़रूरत घी, मक्खन या ऑयल डाल दें। थोड़ा सा मैदा छिड़क दें। इसको दो साइड से फोल्ड कर दें। इसके दरमियान में चेडर चीज़ का स्लाइस रख दें। अगर आपके पास स्लाइस नहीं है तो आप श्रेडेड चीज़ यूज़ कर लें। इसके ऊपर चिकन की फिलिंग डालें और इसकी तीसरी साइड से फोल्ड करके को साइड से अच्छी तरह प्रेस कर लें और फिर आखिरी साइड भी इसकी फोल्ड कर दें। साइड से प्रेस कर लें
ये पराठे तैयार हैं। अगर आपने इनको फौरन फ्राई नहीं करना तो आपको इनको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। इनको प्लास्टिक रैप में फ्रिज में रखें। पराठा फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा घी डाला है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। पराठे को बहुत तेज आंच पे फ्राई नहीं करना, इसके लिए आंच बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। जब एक साइड से गोल्डन हो जाए तो दूसरी साइड से पका ले और इसके ऊपर अपनी मर्जी के मुताबिक घी, मक्खन या ऑयल डाल दें। और पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन कर लें। चिकन चीज़ पॉकेट पराठा तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।